कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी उसमें हमारी 433 नंबर FIR जो सिटी थाने में दर्ज है उसकी SIT जांच कर रही है। उस SIT में CIA 1, CIA 2, DSP और अन्य लोगों की एक टीम है, जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई, कहां से, और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुंची थी। आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है जहां से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुंची उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊंगा। जो हमारी जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू के एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, दो एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जो भी इनका प्रोसीजर रहा, उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई, क्वेश्चन पेपर इनका फॉर्म हुआ, वो राकेश कुमार ने एक पेन ड्राइव थी जो प्रिंटिंग के लिए उसने रखी थी, वो जितेंद्र के हाथ लगी। जितेंद्र ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया और 2 अगस्त को, ये 31 जुलाई को जितेंद्र के हाथ लगी थी जो अभी तक हमारी जांच में आया है, और 2 अगस्त को उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें चारों सेट थे और उनकी आंसर की थी, प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख ली। अब जो जितेंद्र है उसका, वो लगातार टच में था एक व्यक्ति के जिसका नाम है मुजफ्फर अहमद खान। मुजफ्फर अहमद खान भी इसी कंपनी में पहले कार्य करता था, उसको 1.5 साल पहले निकाल दिया गया था, और वह लगातार जितेंद्र के टच में था। वह पूछता रहता था कि क्या, कौन सी भर्ती प्रक्रिया या कुछ भी चल रही है, तो वो उसके ज़रिए उसको पता चल गया कि हरियाणा की ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए ये कंपनी काम कर रही है। तो उससे उसकी बात हुई, उसने जितेंद्र को लालच दिया, तो जितेंद्र और उनकी जो सेटिंग हुई उसमें ये रहा कि हम एक पेपर 1.5 लाख पर पेपर के हिसाब से वो उसको देगा, यानी कि कुल 6 लाख रुपए में जितेंद्र मुजफ्फर अहमद खान को वो पेपर्स देगा, जैसा कि तय हुआ था। 2 अगस्त को उसने हार्ड कॉपी बनाकर अपने घर पर रख ली थी। उसके बाद जो इनकी टीम थी पेपर कराने के लिए, ये चंडीगढ़ जो भी है, इनकी जो भी प्रोसीजर्स थे उनको फुलफिल करने के लिए खुद जितेंद्र भी इधर आ गया था। उसके बाद मुजफ्फर अहमद खान का इसको फ़ोन आता है कि पेपर्स के लिए, तो ये इसको बता देता है और अपने घर पे उसको बता देता है कि घर से वो ले जाए। वहाँ से मुजफ्फर अहमद खान उस की और जो पेपर्स हैं उनको ले जाता है। उसके बाद चूँकि मुजफ्फर अहमद खान का कोई कांटेक्ट नहीं था आगे हरियाणा में कि किस प्रकार से इसकी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेचा जाए या पहुंचाया जाए, वो अपने एक जानकार है एजाज़, उससे टच में आता है, उसको बोलता है। और एजाज़ जो है, एजाज़ एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वहाँ पर जम्मू, वहाँ वहीं पर काम करता है गवर्नमेंट सर्विस में। एजाज़ टच में होता है अफजल के। अफजल वही व्यक्ति है जिसको नज़ीर ने राजकुमार से मिलवाया था। नज़ीर जो हम पहले गिरफ़्तार कर चुके हैं, नज़ीर और जो राजकुमार हैं ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि राजकुमार पहले रोहतक में एक एकेडमी चलाता था जिसमें वो जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, ETT कोर्स होता था श्रीनगर वगैरह में, उसमें ये कैंडिडेट्स पहुँचाते थे नज़ीर के ज़रिए। और अफजल भी यूनिवर्सिटी में काम करता था और उसका खुद का भी एक बीएड कॉलेज था, तो ये सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो जब ये पेपर लीक की योजना जब बनी, तो अफजल ने दोबारा से राजकुमार को कांटेक्ट किया कि मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका कोई आगे कांटेक्ट है तो आप बात कर लो।
तो जैसा कि मैंने बताया, फिर एजाज से 5 अगस्त को एयरपोर्ट पे मुजफ्फर अहमद खान ने वो की एजाज को दी। उसी वक्त वहाँ पर अफजल आ गया और उसने वो की अफजल को पकड़ा दी। इनकी जो डील हुई थी अफजल की और एजाज की, ये 60 लाख रुपए में हुई थी। इनका ये था कि हम जो भी, अफजल ने कहा कि मैं आगे भेज दूंगा, 60 लाख रुपए मैं दूंगा और वो हम 50-50, 60 लाख रुपए आएंगे, 50-50 बांट लेंगे। इस प्रकार की इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद अफजल उस की को लेकर 5 तारीख को जम्मू से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर और वो की 5 अगस्त की शाम को राजकुमार वहाँ पर आता है और वो उसको दे देता है। इससे पहले कि, एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब ये की कंफर्म ये बात चल रही थी मुजफ्फर अहमद खान की और जितेंद्र की कि की आ जाएगी, तो जब इनको कंफर्म हो गया 1-2 तारीख के आसपास कि हाँ की वाकई में हमारे पास आ जाएगी, तो इन्होंने ये बात एजाज, फिर एजाज से अफजल, अफजल से राजकुमार, राजकुमार तक ये बात पहुंच गई। राजकुमार का जो भाई है कुलदीप, कुलदीप था नरेंद्र के टच में, जो हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इनकी लगातार बातें हो रही थी, ये भी अपने बात कर रहे थे, अपने कैंडिडेट ढूंढ रहे थे किसको दें किसको दें। तो कुलदीप नरेंद्र के टच में आया, नरेंद्र रमेश के टच में आया, रमेश अपने कैंडिडेट्स आगे, वो अपने कैंडिडेट्स इकट्ठा कर रहा था। तो इसी चक्कर में इनकी 2 अगस्त को, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे, 2 अगस्त को इनकी एक मीटिंग होती है। फरीदाबाद में रॉयल हंडी में एक मीटिंग होती है जिसमें राजकुमार, कुलदीप, नरेंद्र और निहाल, 4 व्यक्ति होते हैं वहाँ पर। ये क्योंकि कुलदीप ने नरेंद्र को बताया होता है कि की मिल जाएगी और 1 करोड़ में इनकी जो डील हो रही होती है, तो वो मिलने के, भाई कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी, ये डिस्कशन करने के लिए राजकुमार के पास 2 तारीख को वहाँ रॉयल हंडी फरीदाबाद में जाते हैं। वहाँ पर राजकुमार विश्वास दिलाता है कि हाँ की मिल जाएगी और उनको बताता है कि मुझे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है अफजल, उसके थ्रू मुझे की मिल जाएगी। और उसी 2 तारीख को राजकुमार फ्लाइट पकड़कर, दो अन्य व्यक्ति हैं वेद प्रकाश और एक और राजकुमार है रेवाड़ी, इन 3 व्यक्ति, ये तीनों लोग फ्लाइट पकड़कर अफजल से मिलने के लिए जाते हैं। इनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ की मिल जाएगी। तो जैसा मैंने पहले बताया था, 5 अगस्त को फिर इसी प्रकार जब अफजल को की मिल जाती है, अफजल की लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है, वहाँ पर ये 3 व्यक्ति मिलते हैं, एक तो राजकुमार, एक वेद प्रकाश, एक राजकुमार रेवाड़ी का। ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं। सबसे पहले ये तीनों व्यक्ति गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव जाकर उसकी फोटोकॉपी कराते हैं। एक की वो वेद प्रकाश को देता है, एक की, एक कॉपी उसकी पूरा पैकेट बन के, और एक कॉपी राजकुमार अपने पास रखता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जो अफजल है वो कहीं पाटगंज, जैसे पता चला है, होटल में कहीं रुकने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट 6 तारीख को राजकुमार अपने भाई से मिलने पानीपत आता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर का घर है, तो वहाँ पर कुलदीप भी आता है। राजकुमार वहाँ पहुँचता है और अपने भाई कुलदीप को योजना अनुसार वो की पकड़ा देता है। फिर उस की को लेकर 6 तारीख को कुलदीप उस की को लेकर अपने यहाँ खंडा खेड़ी, वहाँ पे अपने गांव में पहुँच जाता है। जैसा कि इनकी पहले से डील हुई थी नरेंद्र से, नरेंद्र कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचता है की लेने के लिए। उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी जो मैं बता दूँ, 4 तारीख को ओमकार होटल में एक मीटिंग होती है जिसमें नरेंद्र की साइड से, नरेंद्र, सोनू, नवीन, संजय, राधे के कुछ कैंडिडेट्स थे, उधर रमेश, रमेश कुडाना, अशोक कुडाना, प्रदीप, ये सारे लोग, टोटल कुल मिलाकर 11 लोग ओमकार होटल हिसार में मिलते हैं, जिनको ये, मतलब ये होता है कि हमें की मिलेगी और कैसे कैसे इसको आगे कैंडिडेट्स को देना है। तो इनकी ये मीटिंग हो चुकी थी, 2 तारीख को वो मीटिंग हो चुकी थी, 5 को इनको की मिल जाती है, 6 को कुलदीप को मिलती है, कुलदीप से ये गांव में आ जाते हैं। उस टाइम पर नरेंद्र संदीप, नवीन,
और गौतम, इसमें से दो मीडिएटर होते हैं, एक भान सिंह होता है, भान सिंह के थ्रू वो इनको मिलती है, उनकी बात, इन सभी की बात रमेश से हो रखी होती है। तो जो पुलिस को जो क्लू मिला था, जो गाड़ी पकड़ी थी वो इन तीन लोगों की पकड़ी थी, इनसे फिर हमें वो भान सिंह का, फिर इन्हीं से हमें रमेश का, और रमेश से फिर नरेंद्र का, नरेंद्र से कुलदीप का, कुलदीप से राजकुमार, राजकुमार से अफजल, अफजल से एजाज, एजाज से मुजफ्फर अहमद खान, और मुजफ्फर अहमद खान से जितेंद्र, जितेंद्र और राकेश जो मैनेजर। तो ये पूरी एक चेन है जिस प्रकार से ये की नीचे पहुंचती है और ये स्प्रेड होती है। इसमें अब जैसे कई बिंदु है, जैसे रमेश एक मेन पॉइंट था जहाँ से कई लोगों को, कैंडिडेट्स को की गई। ऐसे ही और भी व्यक्ति हैं, एक राधे है, नवीन माजरा है, इसको ये की दे के आता है नरेंद्र एक कॉपी अलग से। तो नवीन के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, रमेश को डाना है, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आगे वेद प्रकाश और राजकुमार जो साथ में फ्लाइट में जो मिलने भी गए थे अफजल से, वो पैरेलल ही की लेते हैं, उनसे भी आगे की कितनी जगह गई है उसका अभी कोई हमें आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये की स्प्रेड होती है। जो डील थी पहले 6 लाख में, आगे जो उनमें बीच में हुई वो 60 लाख में, फिर आगे वो 1 करोड़ में, फिर जो राजकुमार 1 करोड़ में इनको भी देता है वेद प्रकाश को, 1 करोड़ में इधर नरेंद्र के लिए भी देता है थ्रू कुलदीप, और फिर इनकी 1 करोड़ में, फिर नरेंद्र 10 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से रमेश को देता है, रमेश 12 से 18 जितने में भी बात होती है पर कैंडिडेट्स के हिसाब से और आगे दे देता है। इस प्रकार से ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है जो ये इस प्रकार से जो की है फैली, और सब जगह तक ये काफ़ी लोगों तक, जो कैंडिडेट्स तक ये पहुंची है। नज़ीर जो व्यक्ति है, राजकुमार नज़ीर को जानता था पहले, नज़ीर ने ही राजकुमार को अफजल से मिलवाया था। राधे कहाँ गिराने पड़े थे? राधे 21 का है, जींद का, और वेद प्रकाश वेद प्रकाश रिटौली गांव का है। तो सर गोवा में क्यों प्रिंटिंग करते हैं? तो किस स्टेट में? रिटौली किस स्टेट में? रोहतक। कितने गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी तक इसमें हमारे 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और टोटल 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे 30 फोन, 4 गाड़ी, 18,87,000 रुपये, 2 खाली चेक, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू, रंगीन प्रिंटर वे 4 CPU तथा अन्य डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए जा चुके हैं। मुखिया उसे गिरफ्तार हो गया सर? ये जो मेजाद आपने बताया था, हाँ जो मुखिया आरोपी है सर लास्ट में, हाँ वो अरेस्ट हो गया सर? जो हमारे अभी अरेस्ट हुए हैं, मैंने बताया राकेश हमारा अरेस्ट हो चुका है, जितेंद्र अरेस्ट हो चुका है, एजाज हो चुका है, जो मुजफ्फर खान है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, और जो अफजल है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। उसके लिए DSP विवेक चौधरी और CIA 1 की टीम अभी भी श्रीनगर में है, वहाँ पे छापेमारी की जा रही तो है। सर मेन कौन लगता है आपको इसमें जो? जो अभी तक की जांच में आया है, जितेंद्र से की लीक हुई है जहाँ से ये ओरिजिन स्टार्ट हुआ है। राकेश को हमने अरेस्ट किया है, उसकी भी भूमिका अभी तक संदिग्ध है, उसको और वेरीफाई किया जाएगा। इस मामले में क्या पुलिस पता है ना, जहाँ से की लीक हुई वो हमने अरेस्ट कर लिया, आखिरी कड़ी वही है। मुजफ्फर खान और अफजल तो अलग अलग हैं। हाँ दोनों अलग हैं। कौन? हाँ मैंने अभी बताया ना, ये सारे गिरफ्तार होंगे क्योंकि ये मेन चेन में है। अभी जो हमारे पास जो नाम आ चुके हैं उसमें 28 हमने गिरफ्तार किए हैं, 60 लोगों की गिरफ्तारी अभी जो हमारे पास अभी बचे हुए हैं, अगर सभी को हम काउंट करें इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स जो रमेश से की लिए हैं, तो करीब हमारे 60 लोग और बचते हैं, टोटल 88 गिरफ्तारियाँ इसमें होनी है। राजनीतिक नहीं, अभी तक जो हमारी की जो लीक हुई थी उसके बारे में हमारी पूरी चेन कंप्लीट हो चुकी है, बाकी इनका हमने 10 दिन का रिमांड लिया है, इनसे पूछताछ अभी जारी है। जैसे पीछे 27 बार पेपर, देखिए मैंने कहा वो डील हुई थी, एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन हुए कम कम हुए हैं, 5 लाख अफजल से लेकर वो नहीं किसी से लेकर राजकुमार ने अफजल को दिए थे एक बार, 20 लाख वो एडवांस के वहाँ रखे हुए थे, 6,87,000, 7,87,000 करीब वो जो रमेश अकेडमी से वहाँ से प्राप्त हुए थे, अभी जो अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट वो यही मिला है। बाकी जो डील थी, क्योंकि किसी को पूरी तरीके से बिलीव भी नहीं था, सबने आगे आगे उसको कर रखा था कि जैसे वहाँ से आएगा वो आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, इस प्रकार से पूरी चेन चली हुई थी। SSC के किसी भी कर्मचारी का या किसी संबंधित व्यक्ति का कोई नाम नहीं सामने आया? अभी तक मैंने बताया कि जो हमारी चेन है लीकेज की वो कंप्लीट हुई है, अब इनसे हम रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, और आगे कोई बात आएगी तो फिर आपको बताया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रमेश ने, नरेंद्र ने, इनने बताया है कि जो
काफ़ी सारी जो भर्तियां हैं जो कैसे एयरफोर्स की होती हैं, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल लेवल की होती हैं, जीएनएम की होती हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में भी इन्होंने पहले सेटिंग की है। और रमेश जो है, जैसे कि पहले भी हमने ब्रीफिंग में बताया था, ये सिटर्स भी प्रोवाइड कराते थे जो दूसरे की जगह बैठते थे। इसके साथ साथ ये आधार कार्ड भी जो फर्जी बना देते थे मिक्सिंग करके, वो भी इनका था, और कि ये देते ही थे, प्रोवाइड कराते थे। तो इस प्रकार की गतिविधि में ये काफ़ी लोग काफ़ी समय से लिप्त रहे हैं। कुछ नए लोग हैं जिनको पहली बार ये की मिली, उन्होंने पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार के काम में ये पड़ गए। अभी अभी उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी अरेस्ट किए हैं, जम्मू टीम गई हुई है दोबारा इनकी रिकवरी वगैरह के लिए, तो फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे अगर कोई अन्य बात आती है तो आपको बताई जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपको पता, मैंने बताया ना आपको, 18,87,000 रुपये करेंसी नोट है।